जय हिंद दोस्तों। अभी परसेंटेज वाला सीरीज चल रहा था। आज का पहला क्वेश्चन है कि राम की मासिक आय 4,000 रुपये है तथा 80% रुपया खर्च हो जाता है, 80% रुपया खर्च हो जाता है या खर्च हो गया, तो खर्च हो जाता है, खर्च हो गया जो भी रहता, कितना, चलो खर्च हो गया ही कर देते हैं, खर्च हो गया क्योंकि थंबनेल में ही लिखा हुआ है, तो कितना रुपया, कितना रुपया बच गया। और आज पूरा यही टाइप चलेगा, कितना रुपया बच गया, कितना रुपया बच गया, कितना रुपया बच गया, कितना रुपया बच गया और कितना रुपया बच गया। सिर्फ नाम चेंज होगा, ध्यान दोगे, सिर्फ हम नाम बदलेंगे, नाम हटा देंगे, यहाँ से कोई और नाम रख देंगे, यहाँ से रुपया को चेंज कर देंगे और यहाँ से परसेंटेज को चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यही जो तीन का देखो, जो तीन को हम ब्लू कलर से घेरे हैं ना, यही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, इसी को सिर्फ हेर फेर करते रहेंगे। राम की मासिक आय 4,000 रुपये, तो मासिक आय को हमेशा नीचे लिखेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं लिखना, आगे पढ़ो तो सही। 80% रुपया खर्च हो जाता है। अब सोचो कि अगर 80% रुपया खर्च हो जाता है तो जाहिर सी बात है 20% बचा लेता होगा। किसी भी चीज़ का 100% होता है, जिसमें 80% खर्चे हो गया तो 20% बच गया, और वही तो पूछ रहा है कितना रुपया बच गया। तो डायरेक्ट चाहो तो इसे निकाल लो कि 4,000 का 20%, अब परसेंट है क्यों लिखना, परसेंट मतलब बटा 100, 00 से 00 कैंसिल, 40 और 20 गुना कर दो तो आंसर हो गया 800। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहे थे ना कि तीन जगह सिर्फ चेंज करेंगे, नाम हटा देंगे, यहाँ से जो रुपया है इसको हटा देंगे और जो परसेंटेज है इसको चेंज करेंगे, कह देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो इस बार राम नहीं है, नाम हटा के और लिख दिया गया है श्वेता। क्या फर्क पड़ता है, श्वेता की मासिक आय, इस बार श्वेता की मासिक आय है 24,000 रुपये, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तथा 35% रुपया खर्च हो जाता है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना रुपया बच गया। देखो अगर हम समझाएं कि 35% खर्च हो जाता है तो कह रहा है कितना रुपया बच जाता है। अब सोचो किसी भी चीज़ का 100% होता है, जिसमें 35% अगर खर्च हो गया, 35% खर्च हो गया तो जाहिर सी बात है कि 65% बच गया, तो 24,000 जो टोटल रुपया है मासिक आय, इसका आप 65% निकालो। 65% माने 65 और परसेंट माने बटा 100, 00 00 कैंसिल, तो बच गया 240 और गुने में 65। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला गुना आता होगा, आता है तो बहुत अच्छा बात, और अगर नहीं आता है तो क्या करें, तो हम आपको ट्रिक समझा सकते हैं कि 24 को आप लिखो 12 × 2 और × 10, ये तो लंबा जाता है ना, इसमें आपके लिए हो सकता है लंबा हो लेकिन मेरे लिए यही अच्छा है, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ यही गुना करना होगा, 13 × 12, और 13 × 12 उतना लंबा नहीं है, 13 × 26 के 6, हाथ में 2, 13 × 13 = 15, बाकी रह गया 5 × 10, आई को 10 सही है तो 00 हम डायरेक्ट कैसे बना देंगे। लेकिन अगर आप गुना कर सकते हो तो गुना ही कर लो, अगर स्पीड में गुना कर सकते हो तो। ये तो हो गया, जैसे हम जैसे कुछ आदमी होते हैं, कुछ हम जैसे भी होते हैं लोग जो गुना के डर से भागते हैं, गुना नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिर्फ नाम चेंज होगा, राम हो गया, श्वेता हो गया, अब राम आ जाएगा राधा। राधा की मासिक आय 64,880 रुपये है और 35% रुपया खर्च कर देते। अब सोचो 35% रुपया खर्च हो गया तो कितना रुपया बच गया। ठीक है, राधा हो, राम हो, श्वेता हो, क्या फर्क पड़ता है, आमदनी है क्या, 64,880 और कितना परसेंट खर्च हो गया, 35%। तो फिर वहीं पे सवाल उठ जाता है कि अगर 35% खर्च हो गया तो बचा कितना परसेंट, तो इतना का 65%,
काट सकते हो 0 से 0, और काट सकते हो 2 बचे 10, 13 बचे 25। दूसरे इसको काट सकते हो 3 दुनी 6, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, मतलब 3 2 4 × 4 × 13। और पक्का विश्वास है कि आप इतना तो गुना कर जानते ही होंगे, गुना करके आंसर लिख दीजिए। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ भाई गुना हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि गुना किसी को नहीं आता होगा। नाम फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा, इस बार राधा भी नहीं, कोई और नाम आएगा और ये सभी नंबर्स चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक राधा था, राधा हटा के मान लो कि अब नाम हो गया सोहन। देखो सिर्फ नाम ही चेंज हो रहा है। सोहन की मासिक आय और कह दें कि 32,660 रुपये है और 12% रुपया खर्च हो जाता है। अगर 12% रुपया खर्च हो जाता है मतलब 88% रुपया बच जाता है, तो हम एक काम करेंगे कि 32,660 का 88%, 88/100, 0 से 0 काट के, और अगर कुछ काट सकते हो तो काटो, और नहीं काट सकते हो तो हम सलाह देंगे कि 32,660 को 88 से गुना करो। जितना भी गुना करके आ जाए, बटा 10 है ना, बटा 10, तो जो भी गुना करके आ जाए, जितना आ जाए, गुना करके आ गया ए बी सी डी ई एफ जी आ गया सब, तो कुछ नहीं करना। नीचे एक जीरो है राइट साइड से, एक अंक के बाद दशमलव दे दो, कितना आंसर हो जाएगा। यहाँ से सोहन हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, रुपए भी हटा देते हैं और परसेंटेज भी हटा देते हैं। 5 देखिए, 1 2 3 4 5, अब नाम आ जाता है केशव, सिर्फ नाम बदल रहा है। केशव की मासिक आय 72,960 रुपये है और 15% रुपया खर्च हो गया, तो कितना प्रतिशत रुपया बच गया, इसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहा। इतना तो आप भी मेहनत करो, सब हम ही एक ही जैसा क्यों बताए। मान लीजिए एक और क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, हम आपको 4 क्वेश्चन बताएं तो कम से कम 2 गो तो होमवर्क में दे दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, यस यस की मासिक आय 65,920 रुपये है और 25% रुपये खर्च हो गया, तो कितना प्रतिशत रुपया बच गया। अब ये 2 क्वेश्चन, एक इसके पहले और एक अभी वाला, हम आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, इसका आंसर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।